नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। वैसे बुलडोजर का कहर तो योगी सरकार में बहुत ही जारी है। बाबा वाले बुलडोजर तो उग्रवादियों पे चले ही जा रहे हैं। अभी हाल में इतने घर टूटे हैं, ये आपने देखा ही है। लेकिन रांची में भी आजकल बुलडोजर चलना आम बात हो गया है। जी हाँ, लेकिन यहाँ बुलडोजर जो है किसी और कारण से चल रहा है। एक हाउसिंग बोर्ड का घर था जिसको अल्टीमेटम दिया गया था खाली करने का, क्योंकि वो लगता था कि अवैध रूप से निर्माण है। लेकिन जिस घर को तोड़ना था उसको घर को तोड़ के नहीं, प्रशासन ने दूसरे घर को तोड़ दिया, एक्चुअली वो घर समझकर। क्या पूरा मामला है, आपको खुद समझाएंगे। क्या नाम है और कहाँ घर है आपका? मेरा नाम बिरसा राव है और मेरा घर बरियातू हाउसिंग कॉलोनी। क्यों प्रशासन आपका घर तोड़ दिया बिना नोटिस का, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं, वहाँ पहले ही देखा कि गरीब आदमी लोग है, इन लोगों को हटाना पड़ेगा। पहले से ही था, कुछ लोगों से तालमेल गड़बड़ था, वो लोग का पहले से ही नज़र था गलत, इसीलिए ज़बरदस्ती दलाल लोग का था, कुछ और लोगों का था, बड़े बड़े लोगों का था नज़र, ज़बरदस्ती आके बिना नोटिस का तोड़ दिया। नोटिस मांगने पे मम्मी लोग को मार के थाने के गाड़ी में बैठा लिया गया। अभी भी थाने में है? अभी जेल भेज दिया गया है फर्जी केस बना के। कौन कौन जेल में है अभी? माँ, बहन और बहन की एक सहेली। लेकिन किस जुर्म में जेल भेजा गया? सरकारी काम में बाधा डालने के सेंस में डाल दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है इसमें माफिया लोगों का हाथ है? हाँ, लगता तो है। साथ ही आप यहाँ कौन से कागज और राजभवन में आप क्या कर रहे हैं बैठ के, और क्या हुआ अब तक? हमने वहाँ डीसी के पास आवेदन देने के लिए गया, पूछताछ के लिए गया, तो डीसी बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, आप वहाँ जाके पूछिए। तो डीसी से नहीं पूछे तो किससे पूछे, वहाँ जाके पूछिए। वो कुछ सेंस में निकाल के दिए वही हाउसिंग बोर्ड का पेपर, जिसमें इसमें तो क्लियर लिखा ही नहीं गया है किस मकान को तोड़ा जाना चाहिए। 2K55 के बगल में लिख दिया, नीचे लिख दिया 2K55 अवैध कब्जा। हम लोग का मकान संख्या 2K57 है, तो फिर किसको तोड़ दिया वो? ये उसका आप केवल डीसी के पास गए या किसी और के पास भी? सबके पास आवेदन कर दिए हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एसएसपी ऑफिस। एसएसपी से क्या जवाब मिला? एसएसपी ऑफिस में आवेदन दिए हैं, जवाब तो नहीं आया है उधर से भी। अभी आप जाके आपने बात करने की कोशिश की एक बार खुद से? खुद से गए थे लेकिन बात नहीं हो पाई, और एफआईआर करने के लिए जब हम गए थे थाना एसटी थाना, तो वहाँ एफआईआर भी नहीं लिया गया। अच्छा, एफआईआर नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा इसमें बहुत, उन्होंने देखा पढ़ के बड़े बड़ों का नाम था इसमें, इसीलिए वो ऊपर कहीं बात किए फिर नहीं लिए। बोल दिए सदर DSP जानेंगे, ये जानेंगे, वो जानेंगे, फ़ोन फिर बाद में नहीं उठा रहे हैं, कह के नहीं लिए FIR। यहाँ पे राजभवन में बैठकर क्या उम्मीद है? उम्मीद तो लड़ने का है आगे, जब सही में है तो क्यों डरे हम? जब हमारे पास वहाँ का हाउसिंग बोर्ड का 4.5 एकड़ का रसीद खतियान दोनों है, तो हम क्यों डरे? उसके पास है तो वो दिखाता। साथ ही आगे आपका कोई प्लान है? अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती है तो हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट पे। फिलहाल आप अकेले ही धरना यहाँ पे दे रहे हैं? हाँ, अकेले ही। जीत का उम्मीद। तो आपने देखा कि किस तरीके से अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में जो सरकार है, प्रशासन है, वो कोई और घर को तोड़ देती है, और इसके साथ ही इनकी माँ बहन सबको जेल में डाल देती है सरकारी काम में बाधा डालने के नाम पर। और जब ये डीसी के पास जाते हैं तो डीसी कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अगर मालूम नहीं है छवि रंजन जी, तो मालूम तो करना पड़ेगा। आप डीसी है, आप नहीं मालूम करेंगे तो और कौन मालूम करेगा? हम तो करेंगे नहीं, हमने एग्जाम पास किया नहीं, UPSC डीसी आप बने हैं, ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ ही इतने जगह आवेदन दिए हुए हैं, SSP ऑफिस में दिए हुए हैं, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। जब जनता का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर इन बड़े बड़े प्रशासन अधिकारियों के पास नहीं होगा, तो आखिर थक हार कर जनता लास्ट में क्या करेगी? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। साथ ही हमारे अगले खबर, खासकर जो मुख्यमंत्री ने कहा है हिंसा पे हुए सवाल पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या करे, रोड पर पेट्रोल डीजल लेकर निकल जाए, इस पर खास विशेष रिपोर्ट आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।